हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एआई की मदद से कुछ इस प्रकार के इमेजेस क्रिएट करेंगे जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर आप भी इस तरह के इमेजेस क्रिएट करना चाहते हैं तो जस्ट वन क्लिक पर है। सो गाइस, आज की वीडियो में आज जो न्यू प्रॉम्प्ट के साथ जिसमें मैं एआई की मदद से आपको इमेज क्रिएट करना भी सिखाऊंगा और जो इमेज हम एआई की मदद से क्रिएट करेंगे उसमें अपना फेस कैसे ऐड करना, अगर आपको डिस्क्रिप्शन से प्रॉम्प्ट कॉपी करना नहीं आता तो वो भी बताऊंगा। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड, सबसे पहले आपने गूगल या जोन सा क्रोम यूज़ करते हैं उसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे सर्च बार में आ जाना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है बिंग या इमेज जनरेटर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट खुलेगी इमेज क्रिएटर फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर, इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो साइन इन कर लेना अपने गूगल अकाउंट से या जीमेल से। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट ऐड करना है जिस तरह का आप इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने पहले प्रॉम्प्ट लिखा हुआ था, कॉपी किया हुआ था, जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैंने कुछ इस तरह से प्रॉम्प्ट लिखा है। प्रॉम्प्ट ऐड करने के बाद आपने अगेन क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देना है। 10 सेकंड वेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे इमेज क्रिएट हो चुके हैं। जल्दी से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, बहुत ही प्रोफेशनल इमेज है। अगर आप भी इस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं तो जस्ट वन क्लिक पर है। यहाँ पे देखें, अगर आपको इनमें से कोई इमेज अच्छा लगता है, आप डाउनलोड करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। अगेन बैक आ जाते हैं। एक बार पसंद आने पर आप दोबारा भी क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इस प्रॉम्प्ट में चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कलर भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह का कलर आपको पसंद हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ जैकेट है, यहाँ पे भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। आपको जो सी ड्रेसिंग पसंद हो वही यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे मैं हुडी कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपने नेम भी चेंज कर देना है। अगेन आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगेन हमारे इमेज क्रिएट हो चुके हैं। जल्दी से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस प्रॉम्प्ट का लिंक चाहिए तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आपने कॉपी कर लेना है और चेंजिंग अपने हिसाब से कर लेनी है। जिस तरह का आपको इमेज चाहिए वहाँ पर चेंजिंग अपने हिसाब से कर लेना है। गेंद से बैक आ जाते हैं, गेंद चेंजिंग करते हैं। यहाँ पे बॉय है, इसे मैं गर्ल कर देता हूँ। यहाँ पे ब्लैक है, इसे आप अपने हिसाब से कर देना। मैं यहाँ पे पिंक कर देता हूँ। यहाँ पे आपने नीचे नेम भी चेंज कर लेना है। प्रॉम्प्ट में चेंजिंग के बाद अगेन आपने क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देना है, थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगेन हमारे इमेज क्रिएट हो चुके हैं। ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही प्रोफेशनल इमेज है। डाउनलोड करने के लिए सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। गेन बैक आ जाते हैं। और आपको प्रॉम्प्ट कॉपी करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन से किस तरह से प्रॉम्प्ट कॉपी किया जाता है वो भी बता देता हूँ। सिंपली आपने क्या करना है, वीडियो ओपन कर लेनी है या चैनल ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं अपना चैनल ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस वीडियो से प्रॉम्प्ट का लिंक चाहिए। यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक कर देना है, से कॉपी लिंक कर देना है। अब इस लिंक को क्रोम ब्राउजर में जाकर पेस्ट कर देना है। यहाँ से क्रोम ब्राउजर या गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ पे जो कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपके सामने वो वीडियो ओपन हो जाएगी जिसे हम प्रॉम्प्ट कॉपी करना चाहते हैं। यहाँ पे आपने मोर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मोर पे क्लिक कर देना है। अगेन नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखे, यहाँ पे मैंने 2 प्रॉम्प्ट ऐड किए हैं, यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। अगेन आपने सर्च बार में आ जाना है। यहाँ पे बिंग या इमेज जनरेटर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे जो लिंक कॉपी किया था पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना है, थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, हमारे इमेज क्रिएट हो चुके हैं। अब जो हमने ये AI की मदद से इमेज क्रिएट किया है, इनमें अपना फेस कैसे ऐड करना है, कैसे स्वैप करना है, उसके लिए सिंपली आपने बैक आ जाना है। गूगल या क्रोम को दोबारा ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है रीमेकर AI। आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट खुलेगी इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे नीचे आ जाना है, फिर स्वैप नो के पे क्लिक कर देना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो साइन इन कर लेना। यहाँ पे देखे स्वैप फेस है, अगर सिंगल फेस है तो स्वैप पे कर देना, अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो मल्टीपल कर देना। यहाँ पे फिलहाल हमारे पास सिंगल ही है। अपलोड इमेज पे, यहाँ पे जो हमने AI की मदद से इमेज क्रिएट किया है वो ऐड करना है। यहाँ पे नीचे आपने अपना फेस ऐड कर देना है। यहाँ पे अपलोड इमेज कर लेते हैं जिस पे अपना फेस ऐड करना है।
यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेना है, डन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से यहाँ पे आपने फेस ऐड कर देना है। फेस ऐड करने के बाद स्वेप पे क्लिक कर देना है, चंद सेकंड वेट करना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा इमेज क्रिएट हो चुका है, फेस भी स्वेप हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फेस ऐड किया था, हो चुका है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप भी इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, जस्ट वन क्लिक पर है। डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपने यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।